नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स के अंदर और हमारी YouTube प्लेलिस्ट हाउ टू मेक अ टेलीग्राम बॉट के फिफ्थ एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इससे पिछले एपिसोड में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल्स के बारे में सब कुछ बताया था और इस एपिसोड में मैं आपको ग्रुप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी अभी तक आपने मेरे चैनल को ग्रे मैटर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे टेलीग्राम ऐप ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप क्रिएट करना होगा। ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे टॉप पे थ्री लाइंस के ऊपर जाना है मेन्यू पे, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू ग्रुप का। तो आपको यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करना होगा और सबसे पहले आपको अपने ग्रुप को यहाँ पे एक नाम देना होगा। ग्रुप के नाम के लिए जैसे हमने चैनल बनाया था उसी तरह से नाम में आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इमोजी, लेटर्स वगैरह। तो मैं यहाँ पे इसे नाम दे देता हूँ हेलो ग्रुप, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज के ऊपर जाके। मैंने यहाँ पे एक इमेज इसके अंदर सेलेक्ट कर ली और मैं इसको फोटो पे सेट कर दूंगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे टेलीग्राम की एक लिमिटेशन होती है कि आप एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर 2 लाख से ज़्यादा मेंबर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, ये एक लिमिटेशन होती है। लेकिन टेलीग्राम चैनल्स के अंदर आप कितने भी मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के अंदर कोई लिमिट नहीं होती है लेकिन ग्रुप्स पे लिमिट होती है। तो आप चाहे तो जिस यूज़र ने अपने टेलीग्राम अकाउंट प्राइवेसी नहीं लगाई हुई है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में होता है, ठीक उसी तरह से आप उस मेंबर को यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं यहाँ पे उसका नाम डाल के। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बस यहाँ पे रोज बॉट को ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल्स के अंदर आप बॉट्स को बिना एडमिन परमिशन के टेलीग्राम चैनल के अंदर ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ग्रुप के अंदर आप बॉट को बिना एडमिन परमिशन दिए ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ग्रुप को क्रिएट कर दूंगा। तो हमारा ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप है इसमें मैं यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख मेंबर्स को ऐड कर सकता हूँ एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और यहाँ पे आप अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डिफरेंट एडमिन्स को डिफरेंट एडमिन राइट्स के साथ ऐड कर सकते हैं। तो जैसे दो तरह के टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, एक पब्लिक और प्राइवेट, ठीक उसी तरह हमारे पब्लिक और प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं। तो अभी के लिए जो मैंने ग्रुप बनाया है ये क्या है, प्राइवेट ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी इसमें लिंक नहीं हमने क्रिएट किया था। अगर आपको ग्रुप क्रिएट लिंक क्रिएट करना है यानी इसे पब्लिक बनाना है तो मैनेज चैनल के ऊपर जाना आप, और आप यहाँ पे ग्रुप टाइप के अंदर जाना और तब आप इसके अंदर यहाँ पे टॉप पे सेलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक। और उसके बाद आपको जैसे हमारा बॉट का यूज़र नेम होता था, चैनल का यूज़र नेम होता था जिससे आप इस टेलीग्राम ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं, वो यूज़र नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी उसकी चेक कर लेनी है कि वो जो यूज़र नेम आप सेलेक्ट कर रहे हो वो अवेलेबल है या फिर नहीं। इसके बाद यहाँ पे एक हमारा टेलीग्राम का फीचर होता है जो मैंने आपको चैनल्स में भी बताया था, कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट करने वाला। इसमें इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही सब बता दिया। तो मैं बस इसको यहाँ पे सेव कर लूँगा और सेव कर दूंगा। इसके बाद हमारा जो ग्रुप होगा यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा। अब इस यूज़र नेम से इस ग्रुप को कोई भी यूज़र फाइंड कर सकता है। तो मैं अपने दूसरे अकाउंट पर जाकर इस यूज़र नेम को सर्च करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब इस यूज़र नेम को सर्च करता हूँ सर्च बार के अंदर, तो हमारा जो एक ग्रुप है यहाँ पे आ जाएगा हेलो ग्रुप से। आप देख सकते हैं ये हमारा वही ग्रुप है। तो ठीक जैसे चैनल्स के अंदर होता था ग्रुप्स के अंदर भी वही है। तो मैं ज़्यादा ग्रुप के अंदर सेम ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। आप चैनल वाली वीडियो को जाकर हमारी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, और आप अगर हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ आ ही गई होंगी। तो इसके बाद मैनेज ग्रुप में जाते हैं और फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे ठीक चैनल की तरह होते हैं। बस एक मेनली जो फ़र्क होता है चैनल और ग्रुप के अंदर वो ये होता है कि चैनल के अंदर सिर्फ जो एडमिन्स होते हैं वो मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप होता है ग्रुप के अंदर यूज़र्स जो उसे ज्वाइन करते हैं वो भी मैसेज कर सकते हैं अगर आप उन्हें अलाउ करते हैं। तो आप चाहे तो उसको परमिशन को ऑफ भी कर सकते हैं जिससे कोई भी यूज़र आपके ग्रुप के अंदर मैसेज नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप की परमिशंस को देख लेते हैं, वही सबसे मेन है। तो मैनेज ग्रुप्स में आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक टैब मिलेगा परमिशंस का, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप देखना परमिशंस में आपको यहाँ पे ये परमिशन मिल जाती है। तो मैंने अपने ग्रुप के अंदर अलाउ की हुई है कौन सी, कि कोई भी यूज़र यहाँ पे मैसेज को सेंड कर सकता है, कोई भी यूज़र यहाँ पे मीडिया को सेंड कर सकता है। मीडिया यानी कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स, इन सब ये सारी चीज़ आती हैं। आप चाहे तो कोई भी स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ को अलाउ करना चाहते हैं कि यूज़र उस चीज़ को ग्रुप के अंदर सेंड कर पाए और किसी चीज़ को सेंड ना कर पाए, तो उसको आप अनचेक कर देना तो यूज़र वीडियो मैसेजेस को वगैरह को सेंड नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ के जो मीडिया थी उसको ऑफ कर दिया है। अब मैं इन यहाँ पे चेंजेस को सेव करूँगा। तो जब मैं इस ग्रुप के अंदर मीडिया शेयर करने की कोशिश करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आती है कि इस ग्रुप के अंदर फाइल्स को सेंड करना अलाउड नहीं है, और ये यूज़र्स के लिए है, जो एडमिन है वो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमारी दूसरी परमिशन होती है एड मेंबर की।
कि आपका ग्रुप का कोई भी मेंबर बाहर से किसी भी मेंबर को ऐड कर सकता है इनवाइट करके, तो वो आप यहाँ पे अलाउ कर देते तो मेंबर आपका ऐड कर पाएगा डायरेक्टली। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरी परमिशन आती है पिन मैसेजेस की, यूज़र आपके ग्रुप के अंदर मैसेजेस को पिन कर सकते हैं या फिर नहीं। पिन करना क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, कि जैसे मैंने यहाँ पे हाई टाइप किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके ऊपर पिन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है नोटिफाई ऑल मेंबर्स, तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके ऊपर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी आपके उस मैसेज की। तो नाउ चेंज ग्रुप इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसको अलाउ कर देते तो आपके ग्रुप के यूजर्स आपके ग्रुप के नाम को और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है उसको चेंज कर पाएंगे। इसके बाद ग्रुप्स के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है स्लो मोड का, जैसे कि आपके ग्रुप्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो आप यहाँ पे टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 10 सेकेंड का, 30 सेकेंड का, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का या 1 घंटे का, जिससे क्या होगा कि आप ग्रुप के अंदर कोई मैसेज करेगा आपका कोई यूजर, तो यहाँ पे मैं ग्रुप पे हाई मैसेज टाइप करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 10 सेकेंड का टाइमर लग चुका है। अब जब तक ये टाइमर यहाँ पे खत्म नहीं होगा मैं अपना अगला मैसेज यहाँ पे सेंड नहीं कर पाऊंगा। देखो स्लो मोड इज एक्टिव, आप नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरह से ये फीचर वर्क करता है। इसके बाद आता है यहाँ पे एक लास्ट में आप देखोगे रिमूव्ड यूजर्स, तो रिमूव्ड यूजर्स वही हैं जिनको आप अपने ग्रुप से बैन करना चाहते हैं, ठीक जैसे चैनल के अंदर था वही सेम फीचर ये वाला है। इसके बाद हमारा एक फीचर आता है यहाँ पे रिमूव्ड यूजर के बाद एक्सेप्शंस का, इसमें क्या होता है कि आप किसी यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी परमिशन के लिए। मान लो आपने सब यूजर्स को सारी परमिशन दी हुई है अपने ग्रुप में, लेकिन कोई यूजर है जो फालतू के मैसेजेस या कुछ शेयर कर रहा है, तो आप उसके लिए अलग से रेस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हैं कि भाई तू मैसेज सेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे एक्सेप्शन को, और मैंने यहाँ पे फॉरएवर को कर दिया। अब सेव करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या होगा, मैं जब अपनी दूसरी आईडी से यहाँ पे मैसेज करने की कोशिश करूँगा तो मेरे को ये ग्रुप अलाउ नहीं करेगा। तो ये ग्रुप था और यहाँ पे आप देख सकते हैं द एडमिन ऑफ द ग्रुप हैज रेस्ट्रिक्टेड योर एबिलिटी टू सेंड योर मैसेजेस। इसका मतलब ये है कि मैं अब ग्रुप के अंदर मैसेजेस को सेंड नहीं कर सकता जब तक मेरे को एडमिन अलाउ नहीं करेगा। तो ये फीचर होता है ग्रुप्स का, टेलीग्राम ग्रुप्स का। और ठीक जैसे मैंने आपको टाइमर के बारे में बताया था, 1 वीक टाइमर के बारे में, कि आप कैसे ऑटो डिलीट टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप्स के लिए, ठीक उसी तरह से मतलब चैनल के लिए उसी तरह से आप यहाँ पे अपने ग्रुप के लिए भी ऑटो डिलीट टाइमर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर हिस्ट्री में जाकर एनेबल ऑटो डिलीट करके वो आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद टेलीग्राम पर दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होता है सिंपल ग्रुप और एक दूसरा होता है सुपर ग्रुप। आप इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, तो ये जो मैंने बनाया था वो था सुपर ग्रुप। सुपर ग्रुप को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप रोज बॉट को उसके अंदर ऐड करके यहाँ पे एक कमांड दे सकते हैं /id, और इसके बाद यहाँ पे जो आपको चैट आईडी मिलेगी उसके स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे -100 मिल जाएगा आईडी से पहले। अगर आप यही चीज़ सिंपल ग्रुप के अंदर करते हैं और वहाँ पे रोज बॉट को ऐड करके /id कमांड देते हैं तो आपके आईडी में यहाँ पे आपको -100 स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, जिससे आप फर्क कर सकते हैं कि सुपर ग्रुप है आपका या फिर नहीं। और अगर आप किसी भी बॉट वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं टेलीग्राम बॉट्स में, तो एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि आपका ग्रुप सुपर ग्रुप होना चाहिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अपने ग्रुप को सिंपल ग्रुप को सुपर ग्रुप में कैसे बदल सकते हैं। तो जब आपका ग्रुप सुपर ग्रुप नहीं होता है तो आपको यहाँ पे एक फीचर मिलता है जो कि सुपर ग्रुप में आपका हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कि यहाँ पे चैट हिस्ट्री फॉर न्यू मेंबर्स, इसको आप यहाँ पे विजिबल कर देंगे तो आपका जो ग्रुप होगा वो सुपर ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे यही कमांड /id वाली कमांड दूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ग्रुप है वो सुपर ग्रुप के अंदर चेंज हो चुका है। तो ये फर्क था सुपर ग्रुप और सिंपल ग्रुप में टेलीग्राम के अंदर। इसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम पे एक नया फीचर आया है, वो है ग्रुप टॉपिक्स का। इसमें क्या होता है कि मान लो आपने कोई ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर सारे यूजर्स आपस में बात कर रहे हैं, तो वहां पे कई बार बहुत खिचपिच हो जाती है यूजर्स, और यूजर्स को दिक्कत होती है कि वो किसी यूजर से बात नहीं करना चाहते लेकिन बाकी दो यूजर भी वहाँ पे लगे हुए हैं। या फिर आप टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं कि आपने कोई ग्रुप बनाया और अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर दिया, कि बॉट से रिलेटेड आप चाहते हैं कि यूजर्स यहाँ पे बात करें, आप चाहते हैं यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड आप यहाँ पे बात करें, और फालतू की बातें जिन्हें बात करनी है वो इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे अलग से बात कर ले, तो उसके लिए आप यहाँ पे टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दे। टॉपिक को जब आप टर्न ऑन कर दोगे तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चैट होती है जो कि है जर्नल चैट। यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे टॉपिक को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक क्रिएट कर देता हूँ बॉट्स के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टिकर वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो यहाँ पे ये वाली इमेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने टॉपिक के लिए। तो बस मैंने इसे यहाँ पे क्रिएट कर दिया। टॉपिक क्रिएट करने के बाद आपके जो यूजर्स होंगे वो
उन टॉपिक्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहला मैसेज यहाँ पे सेंड कर दिया, तो अब यहाँ पे दो टॉपिक्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं ग्रुप के अंदर। ये मेरा ही ग्रुप है जिसके अंदर दो अलग अलग मैसेज टाइप हो रहे हैं, और यहाँ पे जो मैसेज शेयर किया जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, तो ये वाला मैसेज उस दूसरे टॉपिक वाले ग्रुप के अंदर नहीं आएगा। तो आप अपने यूजर्स को ऐसे अलग अलग बेस पे एक ही ग्रुप के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। यही वाली चीज मैं एक बार आपको ग्रुप के अंदर जाके दिखा देता हूँ। जब मैं ग्रुप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे कि आप कौन सी चैट को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस तरह से जो हमारा टेलीग्राम टॉपिक वाला फीचर है वो यहाँ पे वर्क करता है। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।